Hello everyone and welcome to the session. I am Pramod and in this session we will learn about the screen that you are going to work with, about the tools that you are going to work with, how will you work on your system. अभी तक हमने ये समझा था कि इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और अल्टीमेटली इस प्रोसेस में ओवरऑल हम करने क्या वाले हैं कि हम जो सेलर्स इंडिया मार्ट पे रजिस्टर होना चाहते हैं उनको रजिस्टर करेंगे, उनकी लिस्टिंग बनाएंगे और साथ ही साथ उनका एनरिचमेंट भी करेंगे, उनके प्रोफाइल को और एनरिच करेंगे, अच्छे से डिजाइन करेंगे. लेकिन वो कैसे करेंगे टूल्स के साथ में, वो अभी सेशन में समझेंगे. तो प्राइमरीली जो आपका टूल है जिसको आप यूज करने वाले हो स्क्रीन पे, उस टूल को हम बोलते हैं वेब ईआरपी. ओके, नाउ टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि उस टूल पे लॉगिन कैसे करना है, वेब ईआरपी पे लॉगिन कैसे करना है. तो सबसे पहले जब आप दिन में काम करना शुरू करना चाहेंगे तब आप weberp.intermesh.net अपने इंटरनेट ब्राउजर में एंटर करेंगे. इंश्योर कि यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड यू आर एंटरिंग द करेक्ट लिंक. वंस यू एंटर दिस लिंक इट विल शो यू दिस पेज. इट विल आस्क यू टू साइन इन विद गूगल. आपका जो यूजर आईडी बना होगा वो आपका जो गूगल अकाउंट है, आपका जीमेल अकाउंट है, उसको हम हमारे सिस्टम में यूजर आईडी बना देंगे आपका, और आपका जो गूगल पे लॉगिन होगा उसी के थ्रू आप इसमें डायरेक्टली लॉगिन हो पाएंगे और आप इसमें अपना गूगल आईडी पासवर्ड डालेंगे एंड यू विल बी थ्रू विद दिस. सो वंस यू एंटर लॉग ऑन टू weberp.intermesh.net एंड यू क्लिक ऑन साइन इन विद गूगल, इट विल आस्क यू फॉर योर गूगल आईडी एंड द पासवर्ड और जीमेल आईडी एंड द पासवर्ड एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन. एंड वंस यू आर डन विद दिस यू विल सी दिस पेज. दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ वेब ईआरपी. ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये स्क्रीन को देखने वाले हैं एवरी टाइम यू विल लॉग इन टू योर सिस्टम ऑन इंडिया मार्ट. नाउ ऑन दिस स्क्रीन डेटा हॉट लीड एनरिचमेंट देखिए हाईलाइटेड है एक रेक्टेंगल से. डेटा हॉट लीड एनरिचमेंट एट द बॉटम, ये जो टाइल है केवल यही टाइल आपके काम आने वाली है टू वर्क फॉर द फ्री सेलर एनरिचमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस टाइल व्हाट हैपेंस, यू सी दिस स्क्रीन. ये है आपकी स्क्रीन फ्री सेलर एनरिचमेंट. वेबीआरपी के अंदर फ्री सेलर एनरिचमेंट नाम की जो स्क्रीन है उस पर आप काम करेंगे. यहाँ पे यू इट इज शोइंग अ बटन टू यू आई एम रेडी. तो आप ऐसा नहीं कि लॉग इन करते हैं कॉल आना शुरू हो जाएगी, नहीं, आप लॉग इन करेंगे फ्री सेलर एनरिचमेंट स्क्रीन पे आएंगे, आई एम रेडी का बटन है. आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेलर का डेटा आपकी स्क्रीन पे पॉपुलेट हो जाएगा. इस तरीके से देखो सामने जो दिख रहा है फ्री सेलर एनरिचमेंट स्क्रीन पे सेलर की डिटेल्स दिख रही हैं, उसकी कंपनी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, एड्रेस, फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कुछ और सेलर की इन्फॉर्मेशन है जो दिख रही है. ये इन्फॉर्मेशन हमें रीड करनी है और समझना है कि इस पर्टिकुलर केस पे हमें क्या काम करना है. नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल द प्री कॉल चेक. तो इसको इससे हम समझ लेंगे कि हमें काम एक्चुअल में क्या करना है और उसके बाद में हम डिटेल्स अपडेट करना शुरू करेंगे. वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा. पहले इस स्क्रीन के डिफरेंट सेक्शंस को समझ लेते हैं. सबसे पहले देखिए हाइलाइटेड इन ग्रीन आपको यहाँ पे सेलर की इन्फॉर्मेशन दिख रही है. सेलर की इन्फॉर्मेशन दिख रही है मतलब बिजनेस का नाम या कंपनी का नाम, हेयर बिजनेस है. उसके नीचे इसका कस्टमर दिख रहा है कि ये अभी कौन सी फेज में है. लेट्स नॉट फोकस मच ऑन इट. ये अभी कौन सी फेज में है कि ये फ्री सेलर बन चुका है, इंडिया मार्ट पे लिस्टिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी. सो लेट्स इग्नोर इट फॉर नाउ. उसके आगे दिख रही है GL ID. GL ID का मतलब एक यूनिक आईडी होती है हर सेलर की इंडिया मार्ट पे, कि उसको हम सेलर को कैसे पहचानेंगे ये वही सेलर है जिसपे मैंने काम किया या वट एवर. ये सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो एक यूनिक नंबर सबको, एक आइडेंटिटी सबको मिल जाती है, उसको हम GL ID बोलते हैं. उसके नीचे है कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम. ये ओनर का नाम नहीं है, ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है. कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में जिस भी पर्सन का नाम उन्होंने डाला होगा या सेलर ने खुद डाला होगा, ये उसका नाम आ रहा है जो कि बायर की इंक्वायरीज को हैंडल करेगा या किसी भी कहीं से भी कॉल आएगा. जो इंडिया मार्ट पे मोबाइल नंबर डाला हुआ है इसका, उस नंबर पे कॉल आएगा तो अमृत दाभी नाम का बंदा है जो इसको हैंडल करेगा. उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है जो कि कंप्लीट एड्रेस है, एड्रेस विद द सिटी स्टेट एंड पिन कोड. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन सेलर इन्फॉर्मेशन. उसके बाद में अगला सेक्शन है आपका प्रोडक्ट्स आई सेल, मतलब सेलर ने जो भी प्रोडक्ट्स अपडेट करे होंगे
या किसी ने भी सेलर की प्रोफाइल में प्रोडक्ट्स अपडेट करे होंगे, हो सकता है इंडिया मार्ट के किसी एजेंट ने पहले काम करा हो और कुछ कुछ डिटेल्स अपडेट करी हो, तो मतलब कहीं से भी इस प्रोफाइल में अगर कुछ भी अपडेटेड है प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें देखो प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है केवल प्रोडक्ट का नाम हो, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केवल नाम है, 3 प्रोडक्ट हैं इसमें जिनमें केवल नाम है फोटो नहीं है, 16 फोटो प्रोडक्ट्स मतलब 16 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी फोटो भी अपडेटेड है कैटलॉग में या प्रोफाइल में, और 1 प्रोडक्ट ऐसा है जो जिसकी प्राइस भी अपडेटेड है नाम के साथ, और उसके नीचे प्रोडक्ट के नाम भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये एक एग्जांपल के लिए स्लाइड है, इसलिए न्यू प्रोडक्ट आपको सारे दिख रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे जितने प्रोडक्ट्स भी कैटलॉग में अपडेटेड हैं, और उसके आगे जो इमेज का साइन आ रहा है उसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें इमेज है, जिस प्रोडक्ट में इमेज नहीं होगी उसके नाम के आगे इमेज का साइन नहीं आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, ये प्रायोरिटी एक्शनेबल है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रायोरिटी एक्शनेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि ये डिटेल्स इस कैटलॉग में नहीं है और इन डिटेल्स के लिए मैं काम करना है। फॉर एन एग्जांपल देखो, एड्रेस ऐड कर दीजिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, तो एड्रेस इनकम्प्लीट ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें लैंडमार्क नहीं डला होगा या फिर लोकेलिटी नहीं डली हुई होगी अभी तक, तो हमें एड्रेस चेक करना है, सेलर से कंफर्म करना है, ये आपको ये याद दिला रहा है। सेकेंड सेक्शन है एड ऑल्टरनेट ईमेल, मतलब इसका ईमेल तो डला हुआ है, ईमेल और मोबाइल, तो आपके पास जितने भी सेलर के अकाउंट जाएंगे सबके ईमेल मोबाइल डले होंगे, लेकिन ऑल्टरनेट ईमेल और ऑल्टरनेट मोबाइल डला या नहीं डला वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ऑल्टरनेट ईमेल इसके अंदर नहीं है, आप सेलर को बोल सकते हैं कि आप अपना ऑल्टरनेट ईमेल ऐड कर दीजिए प्लीज। एड GSTN मतलब GST इसके अंदर नहीं है, आपको GST लेके अपडेट करना है, या फिर आप GST तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, GST के लिए आपकी डिपेंडेंसी सेलर पे नहीं है, सिर्फ कॉल पे नहीं है, तो आप कॉल शुरू करने से पहले GST सर्च कर सकते हैं, हम आपको आगे वाले सेशंस में बताएंगे। ऑल्टरनेट मोबाइल ऐड कर सकते हैं आप, फोटो प्रोडक्ट्स और ऐड कर सकते हैं आप, हालांकि 16 फोटो प्रोडक्ट्स पड़े हैं लेकिन और ऐड कर दीजिए फोटो प्रोडक्ट, जितने ज़्यादा फोटो प्रोडक्ट्स उतनी ही प्रोफाइल अच्छी होगी। विजिटिंग कार्ड ऐड करा सकते हैं, वेबसाइट ऐड करा सकते हैं, प्रोडक्ट की वीडियोज ऐड करवा सकते हैं, ब्रोशर ऐड करवा सकते हैं, या सेलर को बोल सकते हैं मार्केट प्लेस URL ऐड करवाने के लिए। इस तरीके से प्रायोरिटी एक्शनेबल आपको प्राइमरीली दिखा देगा कि आपको काम क्या क्या करने हैं, ठीक है। इसके अगले सेक्शन में चलते हैं, देखिए ये जो सेक्शन है ये रीसेंट सेलर की एक्टिविटी दिखाता है, सेलर की रीसेंट एक्टिविटी दिखाता है कि लास्ट हमने कॉल कब किया, ये भी दिखाएगा कब किया था और उस कॉल पे क्या हुआ था। देखो लास्ट कॉल इस सेलर के पास गया है नीरव नरेंद्र भाई छतबर नाम का एक एजेंट है, उसने किया था 30 अक्टूबर को कॉल गया था, और उस टाइम सेलर ने बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो नीड, मतलब कि उस टाइम पे उसको शायद ज़रूरत नहीं थी इन सर्विसेज की या कैटलॉग बनवाने की। और सेलर की एक्टिविटी ऐसे दिख रही है कि एक्टिव डेज इन लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों में सेलर 2 बार एक्टिव हुआ है इंडिया मार्ट में, 2 बार उसने खुद इंडिया मार्ट विजिट किया है फॉर सम अदर रीजन। पिछले 30 दिनों में 7 बार एक्टिव हुआ है सेलर, 7 बार उसने इंडिया मार्ट विजिट किया है, और ऐसा ही पिछले 90 दिनों में 30 बार उसने इंडिया मार्ट विजिट किया है, तो यू कैन सी कि सेलर खुद कितना इंटरेस्टेड है इंडिया मार्ट पे खुद अपना बिजनेस रजिस्टर करने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट गाइस, जब आप इस केस को पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि अभी सेलर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या मुझे काम करना है उसके बाद, और उसकी रिसेंट एक्टिविटीज क्या थी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलर को कॉल करना चाहेंगे, हाँ ये इन्फॉर्मेशन है ये मुझे लेनी है, तो कॉल करने के लिए दिस इज द बटन C2C, C2C का मतलब है क्लिक टू कॉल। आप C2C बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसा पॉपअप आता है जो सामने दिख रहा है, ये पॉपअप आने के बाद में ये पॉपअप आपको ये भी बताता है कि काइंडली इन्फॉर्म द कस्टमर दैट द कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर दीजिए कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और ये आपकी स्क्रिप्ट में भी आएगा, वी विल शेयर इट विद यू। ये आप इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद में आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ आप कॉल बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो कि एसोसिएटेड है इंडिया मार्ट के साथ में, उस मोबाइल नंबर पे एक कॉल आएगा। आप जैसे ही उस कॉल को पिक कर लोगे, इंडिया मार्ट के ही डायलर से एक कॉल सेलर को जाएगा, और सेलर जैसे ही कॉल पिक कर लेगा आप कनेक्टेड हो जाओगे सेलर के साथ में थ्रू इंडिया मार्ट डायलर।
तो आप कनेक्टेड हो इंडियामार्ट डायलर के साथ, सेलर कनेक्टेड है इंडियामार्ट डायलर के साथ में, और आप दोनों, आप और सेलर इसके चैनल के थ्रू कनेक्ट हो गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये क्लिक टू कॉल का जो प्रोसेस है डायलर है, इससे आपका नंबर सेलर के पास कभी नहीं जाता, एक वर्चुअल नंबर जाता है जो डेडिकेटेड आपके लिए ही है, लेकिन आपका नंबर उसको डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कॉल कर दिया। अच्छा, कॉल करने के बाद में अब हमने डिटेल्स भी पढ़ ली, हम सेलर को कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर डिटेल्स देगा वो अपडेट करेंगे कहाँ, क्योंकि इस स्क्रीन में तो अभी तक कुछ अपडेट करने के लिए नहीं दिख रहा ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन सामने दिख रही है, ये स्क्रीन सिर्फ पढ़ने के लिए है कि आप सेलर की डिटेल्स पढ़ सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो, और फिर अल्टीमेटली कॉल पे क्या बात हुई वो डिस्पोजिशन डाल सकते हो कि हाँ जी मेरी इससे ये बात हुई, इसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, या फिर इसने बोला कि हाँ सारी डिटेल्स वेरीफाई करवा दी, डिटेल्स अपडेट करवा दी, आई एम इंटरेस्टेड, या फिर इसने बोला कल मुझे कॉल करना, तो वो सब आप काम कर सकते हो। लेकिन जो डिटेल्स अपडेट करनी है सेलर के बिजनेस की, वो कहाँ से होती है, ये जो एनरिच बटन दिख रहा है आपको हाईलाइटेड अभी, यहाँ से। तो आइडियली हमें ये करना चाहिए कि हम सेलर की डिटेल सारी पढ़ें और एनरिच वाले टैप पे बटन पे क्लिक करके उसकी प्रोफाइल ओपन कर ले, जहां से एडिशन करेंगे हम डिटेल्स का, और उसके बाद सी2सी बटन पे क्लिक करके कॉल करें। तो एनरिच बटन पे क्लिक करते के साथ में एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि ऐसा दिखता है। ये देखो सेलर की दो हाईलाइटेड है येलो में, कंपनी प्रोफाइल और मैनेज प्रोडक्ट्स। कंपनी प्रोफाइल में वो सारी चीजें हैं जो कि उसके बिजनेस के रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या दूसरी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, उसका ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, फिर उसकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका बिजनेस का एड्रेस क्या है, उसका GST क्या है, SIN क्या है, विजिटिंग कार्ड अपडेट करना है, वो सारी चीजें हम यहां से कर सकते हैं। और फिर दूसरा सेक्शन जो येलो में दिख रहा है मैनेज प्रोडक्ट्स, उसमें जाके हम सेलर के प्रोडक्ट्स अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीजें मैनेज प्रोडक्ट्स में होती है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनरिच बटन हमने देख लिया, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम अभी इस सेक्शन को, कि ये जो मैनेज प्रोडक्ट्स और कंपनी प्रोफाइल है इनको और डिटेल में अगले सेशन में स्टडी करेंगे। अभी के लिए एनरिच बटन हमने समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन पेड सर्विसेज। अगर कोई सेलर अपना इंटरेस्ट शो करता है कि मेरे को हाँ इंडियामार्ट की, देखो आप जितना काम कर रहे हो वो तो सारी फ्री सर्विसेज हैं, लेकिन सेलर ने बोला कि वो पेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, वो उनके बारे में जानना चाहता है, तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे और अपने केस को डिस्पोज कर देंगे। सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद, वेरीफाई कर लिया, एनरिच कर लिया, जब लास्ट में कॉल आप डिस्पोज कर रहे हो, उस टाइम इस बटन पे चेक कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारी सेल्स टीम है या जो पेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उस टीम के पास में ये रिक्वेस्ट चली जाएगी सेलर की, और वो लोग उसको कॉल करके पूछ लेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है डिस्पोजिशंस। इस स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था आप दो ही चीजें कर सकते हैं, एक तो सेलर की प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं, या फिर कॉल शुरू करना और खत्म करना आप कर सकते हैं स्क्रीन से। तो कॉल शुरू करने के लिए क्लिक टू कॉल, और कॉल खत्म करने के लिए आप डिस्पोज करेंगे केस को कि कॉल पे क्या हुआ था, तो वो करने के लिए देखो ऐड कमेंट्स वाले सेक्शन में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि हाइलाइटेड सेक्शन से जस्ट ऊपर है, उसके नीचे एनरिच्ड एंड वेरीफाइड, मतलब अगर आपने सेलर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया तो आप एनरिच्ड एंड वेरीफाइड पे क्लिक कर दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई कर ली या पूरा प्रोफाइल भी साथ साथ में एनरिच कर दिया तो आप एनरिच एंड वेरीफाइड पे क्लिक कीजिए। अगर आपने सेलर की प्रोफाइल पे काम नहीं कर पाए क्योंकि सेलर ने बोला आप मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी बैक लेटर, या सेलर ने कॉल ही आंसर नहीं किया, तो आप रीशेड्यूल करेंगे उसको कि दोबारा कॉल जाना चाहिए, और या फिर सेलर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर लैंग्वेज बैरियर है कि कोई तमिल तेलुगु में बात कर रहा है जो आपको नहीं आता समझ में, तो लैंग्वेज बैरियर में, या फिर बिजनेस क्लोज हो गया, मतलब अगर रिजेक्ट करना है केस को कि इस पे दोबारा काम नहीं हो सकता, यू विल डिस्पोज एज रिजेक्टेड। देखो रीशेड्यूल में चार रीजन है जो मैंने अभी एक दो रीजन तो आपको बताए दिए थे, नो आंसर है, स्विच ऑफ है, या नॉट रीचेबल है, कस्टमर ने कॉल ही काट दिया बात करते करते, या कॉल कट गया किसी रीजन से, या फिर सेलर ने बोला कि कॉल बैक करना मुझे। और ऐसे ही रिजेक्टेड के रीजन है जो मैंने आपको दो तीन बताए थे, बिजनेस क्लोज हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई किसी भी लैंग्वेज में बात करता है दैट इज अ लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हम इन दो लैंग्वेज के अलावा तीसरी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते कॉल्स पे। रॉन्ग कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सकती है, बोले रॉन्ग नंबर है ये, आपने किसको फोन कर दिया, मैं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन,
देन बायर या फिर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, कि भाई मैं गलती से एज ए सेलर आ गया था इंडिया मार्ट में, मैं सेलर नहीं हूं, मैं तो कुछ खरीदने आया था, मैं गलती से ऐसे रूट से आ गया कि आपको लगा मैं सेलर हूं। और ये सब करने के बाद में वी क्लिक ऑन गेट नेक्स्ट लीड, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और गेट नेक्स्ट लीड करते हैं। इससे क्या होता है, मेरे पास अगली लीड आ जाती है, अगले सेलर का डेटा मेरी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है। दिस इज ऑल व्हाट वी वांटेड टू कवर इन दिस सेशन गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दैट वी हैव लर्न्ड अ लॉट। स्टिल इफ यू थिंक दैट देर इज एनीथिंग मिसिंग और देर इज एनीथिंग दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड कीप रिपीटिंग इट टिल द टाइम यू आर नॉट क्लियर विद द फंडा। थैंक यू सो वेरी मच। आई विश यू वेरी गुड लक गाइस।